गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉल्ट, उसमें हमने देख लिया था। फर्स्ट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन, सॉरी नेचर और नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, जो हमारा एब्जॉर्बेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसे होगा। हमने सेकेंड देखा था नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, जो हम लोग एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट कौन सी थी, सरफेस एरिया था जिस पर एब्जॉर्बेंट क्या कर रहा था, बैठ रहा था। सो हमने क्या देखा था, अपने नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, और हमने देखा था नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। थर्ड हमने देखा था सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी जिस सरफेस पर हमारे पार्टिकल्स आके बैठ रहे हैं उसका सरफेस कैसा होगा, जो सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर, इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, सो हमारे एब्जॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स और किसके गैस के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इट मीन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। क्लियर? यस, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर ऑफ गैस, व्हाट प्रेशर ऑफ गैस। थर्ड हमारा है कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं गैस का तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, आपके एब्जॉर्प्शन पर। ठीक है, सो हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे सो आपका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्राफ के साथ समझते हैं, हमारा प्रेशर हम लोग इंक्रीज करेंगे, ये आपका रहेगा एक्स बाय एम। सो ये मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, आपका एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, समझ लो कि एन गैस है, कौन से गैस है आपका, नाइट्रोजन गैस है। सो फिर से मैंने ये इंक्रीज कर रही हूँ प्रेशर, सो हमारा एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर से ये यहाँ पर समझ लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6। सो इट मीन जब हम लोग गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? ठीक है, तो इनको दिए हैं 195 केल्विन है, देन आपका दिए है 244 केल्विन। ये प्रेशर के लिए भी होता है, ठीक है, केल्विन में लिख दिया अपने टेम्परेचर, मैंने ये प्रेशर के लिए प्लॉट किया, आपने इसमें टेम्परेचर के लिए भी दिया है। वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपको इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का दिया है, दोनों मिक्स करके दिया है आपके ग्राफ में 195 244। सो आपका ग्राफ किसका है, वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर? ये अगर टेम्परेचर में इंक्रीज कर रही हूं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूं तो एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मी, ये रिड्यूस सिलेबस है। देन है आपका एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, देन है आपका एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ, ठीक है, कि उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ। देन आपका आ जाता है उसमें आपके कितने 8 दिए हैं, 8 एप्लीकेशंस दिए। फर्स्ट इज कैटालिसिस, सेकंड इज गैस मास, थर्ड इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ
5 vacuum. Fifth is adsorption indicators. Then separation of inert gases. Then fourth, flotation forces. Then chromatographic analysis. So आपने कितने दिए हैं? 7 applications आपको दिए हैं, तो ये आपकी self study के लिए daily हो, ठीक है? Read out करिएगा. अगर नहीं समझ में आया, तो you can message me in group. ठीक है? So next आपका topic रहेगा catalysis. Next is catalysis क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट इज कैटालिसिस? कैटालिसिस आर ऑफ इंपॉर्टेंस इन द केमिकल इंडस्ट्रीज एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल इंडस्ट्री एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैटालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर chemical industry and living organism. What we can say, a large number of chemical manufacturing industry make use of catalyst to obtain specific products. And क्या होता है कि industry में special catalyst का use करके special types के products बनाए जाते हैं. Clear? Next, the use of catalyst is lowers the reaction temperature and energy cost significantly. कैटालाइज्ड का यूज करके क्या कर सकते हैं? आपके टेम्परेचर, प्रेशर, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? आपको जैसे चाहिए, आपको प्रोडक्ट बनाना है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आपको टेम्परेचर कैसा चाहिए, प्रेशर कैसा चाहिए, उसको कौन मेंटेन करके रखता है? आपका कैटालिस्ट. ठीक है, सो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन अ सब्सटेंस which a substance which when added to a reacting when added to a reacting when added to a reacting system increase the rate of system increase the rate of reaction increase the rate of reaction without itself undergoing what a substance which when added to a reacting system increase the rate of reaction without itself any permanent chemical changes. What? Any permanent chemical changes. ठीक है, क्या होगा? मैं कैटालिस्ट अ सब्सटेंट, वो एक सब्सटेंट होगा, अ सब्सटेंट विच वेन एडेड टू रिएक्टिंग सिस्टम, और जहां पर रिएक्शन हो रही है वहां जब हम लोग इसको एड करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या करेगा? इंक्रीज करेगा जो आपकी रिएक्शन का जो रेट रहेगा, तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंजेस. जो खुद में तो कोई चेंजेस नहीं करेगा, बट आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें वो क्या करेगा? उसकी रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है, क्लियर? ओके. सो कैटालिसिस टू टाइप्स, मेनली होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. ये आपके कितने टाइप्स के होंगे? टू टाइप्स के होंगे. एक रहेगा आपका होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. ठीक है, सो आपके सिलेबस में इस बार कैटालिसिस दिया है टाइप्स ऑफ होमोजीनियस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. ये आपके क्या किए हैं? रिड्यूस किए हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट आपका आएगा टर्म, जो आपका होमोजीनियस कैटालिसिस, जो आपका
डेटा रेशियो, ठीक है। ये भी आपको मैं सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ, आपके पास बहुत टाइम है अगर अभी कॉलेज बंद है तो। सो इट्स ऑल्सो गिवन फॉर सेल्फ स्टडी। सो इसमें आपको दिया है, इसमें दिया है फर्स्ट इज कैटालिक एक्टिविटी एंड कैटालिक सिलेक्टिविटी, जिसमें आपका फर्स्ट कौन सा है, रिएक्टिविटी, ठीक है, एंड कैटालिक सिलेक्टिविटी, ठीक है, क्लियर। थर्ड है शेप सिलेक्टिव कैटालाइजेस ऑफ जियोलाइटिस, ठीक है। सो आपको इसमें ठीक है शेप से रिलेटेड दिए हैं, शेप्स ऑफ वर्क, शेप्स सिलेक्टिव कैटालाइसिस, शेप्स सिलेक्टिव कैटालाइसिस, ठीक है। सो आज मैं आपको किसके लिए दे रही हूँ, सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा कोलाइड्स, नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक रहेगा, कोलाइड्स, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रहेगा आपका कोलाइड्स। तो हमने सॉल्यूशन यूनिट पढ़ी है, सॉल्यूशन हमने देखा है सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, जब हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हैं तो सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, इट मेड अप विद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या बना था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसमें सॉल्वेंट ऐसे कैसे रहता था आपका, लेस क्वांटिटी में रहता कि मोर क्वांटिटी में होता था, सॉल्वेंट जैसे क्वांटिटी में होता था, मोर क्वांटिटी में होता था कि लेस क्वांटिटी में होता था, यस आपका सॉल्वेंट कैसा रहता था, मोर क्वांटिटी में होता था एंड सॉल्वेंट आपका लेस क्वांटिटी में होता था, इतना क्लियर हो गया था हमको सॉल्यूशन में, ओके। सो इसी से रिलेटेड है आपके सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से रिलेटेड है आपका कोलाइड्स, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है।
बट मित्रों जी में सॉल्यूशन में कैसा हमने एग्जांपल लिया था आपका सॉल्ट का, सॉल्ट हम लिखते हैं इसे लिखते हैं यहाँ पर एग्जांपल ऑफ वाटर एंड वाटर एंड शुगर। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था वाटर सैंड एंड वाटर। बट एक बात बताओ, जब मैंने वाटर में शुगर को ऐड किया है सो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, बट मैं जब वाटर और सैंड को मिक्स करती हूँ सो हम लोग क्या देखते हैं, स्टेयर करते हैं। तो जब हम लोग स्टेयर करते हैं तो सैंड के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं क्या? पहले ही मैंने जैसे डाल दिया और वो नीचे बैठ गए वाटर में, आपके जो भी आप बीकर है जो कुछ ले रहे हो तो उसके वाटर में जैसे मैंने जैसे ये मैंने लिया है कंटेनर, ठीक है, अभी मैंने इसमें ऐड किया है आपका वाटर एंड सैंड। तो पहले ये जैसे भी ये वाटर और ये आपके रहेंगे सैंड के पार्टिकल्स, जब मैं क्या कर रही हूँ इसको स्टेयर कर रही हूँ जब मैं इसको, सो ये ऐसे दिखेंगे ना, ठीक है। और जब मैंने स्टेयर करना बंद कर दिया तो कैसे दिखेंगे ये आपके, ये सैंड के पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे बैठ जाएंगे, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर आपका क्या रह जाएगा, वाटर की लेयर, ठीक है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कुछ समय के लिए ही बनते हैं, बोल सकते हैं क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है आपका हेटेरोजेनस सॉल्यूशन है ये कुछ समय के लिए ही बनते हैं, क्योंकि पहले जैसे हमने स्टेयर करना छोड़ दिया, मिक्स करना छोड़ दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपके सैंड के पार्टिकल्स क्या गए वाटर में बैठ गए और वाटर के लेयर कैसे हो गए ऊपर आपको अलग दिखने लग गए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, और भी कह सकते हैं कि कैसे समय के लिए बनते हैं और कैसे समय के लिए कम समय के लिए बनते हैं, क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट आपका देखते हैं, जैसे अगर मैं लाइट का एग्जांपल लेती हूँ, लाइट का एग्जांपल लेती हूँ तो क्या ये लाइट को स्कैटर कर पाएंगे? यानी जैसे समझ लो ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ लो ये मेरा किसका सॉल्यूशन है, वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन है, ये पूरी तरह से मिक्स है, ये एक बार समझते हैं। इसमें मेरा कौन सा सॉल्यूशन है, पूरी तरह से मिक्स है, तो ये मेरा सॉल्यूशन है वाटर एंड शुगर, ठीक है, पूरी तरह से कैसे है मिक्स है। अगर मैं यहां से लाइट पास कर रही हूं सो ये स्कैटर कर पाते हैं क्या? वॉट ये स्कैटर कर पाते क्या नहीं? सो इट कैन नॉट स्कैटर ऑफ लाइट, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सॉल्युबल है ना, सो इट कैन नॉट स्कैटर ऑफ लाइट। बट हेटेरोजेनस में क्या होगा? हेटेरोजेनस में क्या होगा लाइट का? अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो लाइट का अगर मैं देखती हूँ तो क्या हो जाएगी, पूरी ऊपर कैसा रहेगा आपकी वाटर की लेयर रहेगी और नीचे कैसे रहेगा आपका सैंड पार्टिकल्स। सो ये क्या करेंगे वाटर को, सॉरी लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। सो इट कैन, इट कैन राइट, क्लियर हो रहा है? यस, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपका भी थोड़ा एक सारे का है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइज, साइज ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी देखते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट। सो इनका साइज ऑफ सॉल्यूट रहता है आपका लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, और आपका हेटेरोजेनस में
ठीक है। सो इसमें कैसे आपका होमोजेनस में साइज ऑफ पार्टिकल्स रहेगा लेस देन 1 नैनोमीटर, वही आपका हेटरोजेनस में क्या रहेगा मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, सो अभी मुझे बताओ, मैंने हमारे पास एक ऐसा भी सॉल्यूशन होना चाहिए ना कि जिसके जिसके जो पार्टिकल्स हो, जिसके पार्टिकल्स का साइज कैसा होना चाहिए, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, है ना। हमारे पास एक ऐसा भी सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि स्कैटर ना हो बट कैसा हो, जिसका साइज कैसा हो, लेस देन 1 नैनोमीटर, सॉरी मोर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर। तो वो आपके सॉल्यूशन कहलाते हैं कोलाइडर सॉल्यूशन, वो आपके कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं कोलाइडर सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल्स साइज कैसा होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इतना क्लियर हो रहा है? एक बात बताओ, हम लोग सिरप यूज करते हैं, सिरप यूज करते हैं ना, चलो वो बात में देखते हैं। ठीक है, चलो सो कोलाइड्स क्या होंगे हमारा, अ सबस्टेट डिस्पर्स इनटू द अनदर सबस्टेट इट पार्टिकल्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय नेट बट कैन स्कैटर द लाइट। क्या बोल सकते हैं हम, अ सबस्ट्रेट, व्हाट, अ सबस्ट्रेट डिस्पर्स इनटू द अनदर सबस्टेट, अ सबस्टेट डिस्पर्स into another substance, what, a substrate is put into another substrate in particles cannot be observed, it particles cannot be observed but it can scatter लाइट। समझ में आया? अभी हमने कोलाइड्स के लिए क्या डेफिनेशन लिखी है, अ सबस्टेट डिस्पर्ड यानी बिखर जाना, फैल जाना, डिस्पर्ड होना यानी क्या होना, फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। अ सबस्टेट डिस्पर्ड इनटू अनदर सबस्टेट इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व बट इट कैन स्कैटर द लाइट। दोनों आ गए, ये देखो इट पार्टिकल्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व। सो हम लोग आपके होमोजेनस में जो आपके पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स वी कैन नॉट ऑब्जर्व, आपके होमोजेनस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं? जब मैंने वाटर और शुगर को पूरी तरह से मिक्स कर दिया है तो उसमें आप क्या पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर पाओगे क्या, नहीं। बट हेटरोजेनस यू कैन ऑब्जर्व पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए ना, कम समय के लिए हो या फिर सेटल डाउन होने के बाद हो, आपको दोनों टाइम पे दिखेंगे, यू कैन ऑब्जर्व पार्टिकल्स। पर कोलाइड कैसे होंगे, एज अ सबस्टेट डिस्पर्ड इन टू अनदर सबस्टेट इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व, हमें इसके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, बिकॉज व्हाई, बिकॉज वो 1000 नैनोमीटर से नीचे है, बट इट कैन बी स्कैटर्ड द लाइट, वो लाइट को स्कैटर कर सकते, व्हाई, बिकॉज पार्टिकल्स कैसे हैं 1 नैनोमीटर से बड़े हैं। क्लियर, क्लियर हो रहा है? ओके, आपने टिंडर इफेक्ट पढ़ा है क्या? ओके, आप मूवीज देखने जाते हो तो जैसे यहाँ पर चेयर्स रहती है, ठीक है, यहाँ पर कैसे रहती है, चेयर्स होती है, यहाँ पर आपका वो होल रहता है, ठीक है, समझ लो ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन रहती है ना जहाँ पर आपको मूवी दिखती है,
पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, जैसे व्हाइट कलर की हो, रेड कलर की हो, या लाइट कलर, पिंक, जो भी कलर की है, जब प्रोजेक्टर से ये लाइट यहाँ पर आती है और हमको मूवी स्क्रीन पर मूवी दिखती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं ना, जो भी कलर अवेलेबल रहता है वहां पर आपको क्या दिखने लग जाते हैं, पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर। और वी कैन से अगर एक अंधेरा कमरा रहता है और यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा होल रहता है और यहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट, कौन सी लाइट आ रही है आपकी, सनलाइट। तो जो सनलाइट आती है तो वहां पर आपको एयर्स के पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। यस, तो यहाँ पर आपके डस्ट पार्टिकल्स कैसे हो गए, डस्ट पार्टिकल का साइज कैसे हो गया, किसके बीच हो गया, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में किसका साइज हो गया आपके डस्ट पार्टिकल्स का। यानी वो क्या हो रहे, क्या लाइट को कैसे कर रहे, स्कैटर कर रहे, बट लाइट को ही स्कैटर कर रहे तभी हमको वो दिख पा रहे। जब वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं तभी हमको दिख पाए, अगर लाइट वहां पर नहीं है तो आपको डस्ट पार्टिकल दिख पाएगी क्या, नहीं। क्लियर हो रहा है क्या? सो वहां पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका एक स्पेसिफिक एंगल से जा रहा है, तो जिसके कारण हमको कैसे दिख रहे हैं आपको डस्ट के पार्टिकल हम सबको दिखते हैं। क्लियर? ठीक है। तो कोलाइड्स में आपका जैसे हमने सॉल्यूशन में क्या देखा था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो कोलाइड्स में आपका रहेगा, हाँ, कोलाइड्स में आपका रहेगा डिस्पर्शन फेस, सेकेंड रहेगा आपका डिस्पर्शन मीडियम। हमको पता है डिस्पर्शन मीडियम कौन सा होगा, वाटर, और भी कैसे हम इसको सॉल्वेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम कैसा रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने शुगर पर हमने नींबू पानी बनाया, तो उसके लिए मीडियम कौन सा रहेगा, हमें डिप्रेशन है वॉट स्प्रेड करना, मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को स्प्रेड करना। सो डिप्रेशन मीडियम क्या होगा हमारा, जब हम नींबू पानी बना रहे हैं तो वाटर, और उसमें डिप्रेशन फेस कौन सा हो गया, शुगर, देन सॉल्ट, देन लेमन, ये क्या हो गया आपका डिप्रेशन फेस। क्लियर? चलो तो पहले देखते हैं कि डिप्रेशन फेस क्या है एंड डिप्रेशन डिस्पर्शन मीडियम क्या है। इट इज द सब्सटेंट दैट इज डिस्पर्स इनटू अनदर सब्सटेंट, व्हाट इट इज द सब्सटेंस दैट डिस्पर्स्ड टू अनदर सब्सटेंस, व्हाट इट इज द सब्सटेंस दैट डिस्पर्स्ड टू अनदर सब्सटेंस। वही हम लोग डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, इट इज द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अ मीडियम, it is the substance that provide to the medium, किसको medium provide कर रहे हैं बताओ, किसको medium provide कर रहे हैं, dispersion phase के जो particle है उसके, उसको। so it is the substance that provide to the medium to dispersion phase particles, ठीक है। वॉटर डिप्रेशन फेज इट इज द सब्सटेंस दैट डिस्पर्स टू अनदर सब्सटेंस, यानी एक फेज कौन सा रहेगा, जैसे मैंने अभी वॉटर लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट और क्या मिला दिया है, शुगर मिला दिया, तो वो स्प्रेड कर रहे हैं, दूसरे को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहे हैं, तो हमारा क्या रहेगा डिस्पर्शन फेज, और डिप्रेशन मीडियम हमारा वॉटर, जिसमें डिप्रेशन मीडियम हमारे क्या हो गया वॉटर, जिसमें क्या मिक्स क्या वॉट सॉरी क्या डिस्पर्स हो रहे हैं, डिस्पर्शन फेज इट मीन्स सॉल्ट शुगर, ठीक है। क्लियर हो गया?
आगे बढ़े। ओके, सो हमको यहाँ पर कोलाइड्स की न्यू डेफिनेशन मिल गई है। हमको कोलाइड्स की हमको कैसी न्यू डेफिनेशन मिल गई है, किसकी हेल्प से बनाएंगे हम पहले यहाँ पर अभी डिस्पर्शन सॉरी डिस्पर्शन यानी डीपी, इसको शॉर्ट में लिख देते डीपी और डीएम की मदद से हम लोग किसकी डेफिनेशन बनाएंगे, कोलाइड्स की डेफिनेशन बनाएंगे। सो हम लोग दीज आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर, तो वी कैन राइट दीज आर हिट्रोजीनियस जीनस मिक्सचर, दीज आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ डिस्पर्शन फेज, ऑफ अ डिफ्रेक्शन फेज, ठीक है, ऑफ अ डिफ्रेक्शन फेज व्हिच इज डिस्पर्स्ड इन अ व्हिच इज डिस्पर्स्ड यानी फैलाना, व्हिच इज डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्शन सॉरी मीडियम, ठीक है। व्हाट इज अ कोलाइड, दीज आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ डिस्पर्शन।